मुहर्रम पर्व सामाजिक व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील के साथ सिमरी थाना परिसर पर शनिवार को शांति समिति की बैठक आयोजित कर सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन करने को कहा गया। अंचलाधिकारी गौतम कुमार व थाना अध्यक्ष शमशाद अहमद खान ने कहा, ताजिया स्थल, नया लाइसेंस का नवीनीकरण व आवेदन, मिट्टी उठाव स्थान, ताजिया पहलाम व विसर्जन रूट चार्ट की स्थिति को लेकर प्रशासन को पहले सूचित करें। नशीली पदार्थ का सेवन व हथियार का प्रदर्शन पूर्ण रूप से वर्जित है। जुलूस व परंपरागत खेल में डीजे साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधि व समाज के लोगों से सहयोग करने की अपील कर कहा है कि पर्व के दौरान ग्रामीण क्षेत्र व बाजारों में शांति बहाल करने में शांति समिति प्रशासन को सहयोग करें। मुहर्रम पर्व के दौरान शांति व्यवस्था हर हाल में बनाए रखना पुलिस व जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता है। पर्व के मद्देनजर असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर खास नजर रखी जा रही है। इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मौके शांति समिति सदस्य मुखिया मनोज सिंह, पूर्व मुखिया डॉ पवन चौधरी, अमजद अब्बास, कलीमुद्दीन राही, अनिल मिश्र, पंच तमन्ना अंसारी, शकील खान, राम बाबू साह, सरपंच संघ के अध्यक्ष रमेश सहनी, मोहम्मद सरफराज आलम पासवान, महबूब आलम मिस्टर कैसर खान, प्रेम नारायण साह, जितेंद्र राय, ललित सहनी, निशार खान ने विचार रखे। मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन का आश्वासन दिया है। वही हमारे संवाददाता से बात करते हुए अंचलाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि रूट प्लान ढंग से बनाया जाए ताकि गाड़ी के आवाजाही में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ताजिया जुलूस वाले को बताया गया है कि सेल समय अपना लाइसेंस बनवा ले ताकि किसी प्रकार की कठिनाई का उन्हें सामना न करना पड़े। उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, किसी भी हाल में उनको बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने जानकारी दी कि डीजे पर पूर्णतः रोक है, अगर डीजे बजाया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के द्वारा डीजे जब्त कर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जी सर, क्या शांति समिति के बैठक में निर्णय लिया गया, क्या लोगों को कहा गया? आज दिनांक 22/7/2023 को सिमरी थाना अंतर्गत मेरे और थाना प्रभारी महोदय की अध्यक्षता में शांति समिति बैठक की गई। शांति समिति बैठक हर में सबसे जो अहम मुद्दा ये था कि जो रूट प्लान है, जो कि जिससे जिसके कारण हम ये हाईवे पे हमारा थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसके कारण घंटों जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, तो रूट प्लान एक ढंग से बनाया जाए ताकि गाड़ी के आवागमन में भी कोई परेशानी ना हो। और कल तक सब तजिया जुलूस वालों को मौका दिया गया है कि वो अपना लाइसेंस के लिए आवेदन दे थाना में, ताकि वो ससमय लाइसेंस बन के आ जाए और वो हमें तजिया जुलूस निकालने में कोई परेशानी ना हो। और सब जनप्रतिनिधियों का सहयोग हमें प्राप्त है और हम लोग पिछले साल की तरह इस बार भी शांति के साथ मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मनाएंगे। उपद्रवियों के लिए क्या कहेंगे? जो उपद्रवियों के लिए बहुत ही कड़े संदेश है मेरे लिए कि आप पे हमारी बहुत कड़ी नज़र है। थाना के माध्यम से हमने आप पे काफ़ी कड़ी नज़र रखी हुई है और कोई भी स्थिति में किसी प्रकार की शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा और शांति हम लोग बना के रख इस मुहर्रम को मनाएंगे। सर, डीजे को लेके क्या निर्णय लिया? डीजे को लेकर सख्त निर्देश है, डीजे बैन है, कोई भी डीजे का उपयोग नहीं होगा। जैसे ही खबर मिलेगी उसी समय डीजे को जब्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।